सुबह से जारी ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। लगभग 11 घंटे हो चुके हैं और 11 घंटों के बीच की अपडेट मैं आपको बता दूं कि बड़गाई के जो सीआई हैं भानु प्रताप, उनके सिमडेगा के एक आवास से कई पेटी कागजात बरामद की गई है। कागजात में कई कागजात जो हैं वो फर्जी हैं और उसी कागजात के मदद से ज़मीनों की हेराफेरी होती थी और यही बात है कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ईडी अब सिमडेगा से उन्हें रांची ला रही है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो सुबह 6 बजे से जो छापेमारी शुरू हुई थी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार समेत 22 ठिकानों पर वो अभी भी जारी है और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन का आवास है वहाँ पर भी ईडी की कई टीम पहुंची हुई है और अभी भी जो छापेमारी है वो जारी है। इसके साथ साथ रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में छापेमारी की जा रही है, उसके साथ साथ बरियातू का इलाका है, बरियातू के भी 2 से 3 घरों पर छापेमारी की जा रही है और वहां से भी कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी मिल रही है हमें सूत्रों से। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी तक जो छापेमारी हुई है उस छापेमारी में ईडी को कई कागजात मिले हैं और आगे जिस तरह से छापेमारी की जो समय सीमा है वो बढ़ेगी तो और भी नए नए खुलासे, नए नए जानकारी जो है वो हमारे सामने आते रहेंगे। लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि भानु प्रताप जो कि बड़गाई के सीआई थे उनको ईडी ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय में लाया जा रहा है। ईडी कार्यालय लाने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो कई अहम खुलासे हैं वो सामने आ सकते हैं, कई आला अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नए खुलासे सीआई भानु प्रताप के हिरासत में लिए जाने के बाद सामने आते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार।